sweat, it was cold. Wait, let me. Just sit. Okay. Just sit. Okay. Right now. 3, 2, 1. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल इस वक्त मैं हूं जंजीबार में ही। इस बार जंजीबार की नुनुंगी के बीच में आ चुका हूं एंड आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैंने कुछ खास किया नहीं, आज हम लोग वापस से जा रहे हैं बीच के। आपको पूरा बीच पे दिखा देंगे कैसा बीच दिखता है यहाँ पे। लेकिन मैं अभी नाश्ता को सिखा रहा हूँ बाइक ड्राइव करना। ये मैंने बाइक रेंट हो Jambo, mambo BP. Good. Huh? I'm not parking. I'm just making video. I'm not parking. No parking. तो नाश्ते को मैंने सिखाया। ये एक्चुअली स्कूटी है, काफ़ी इजी होता है स्कूटी चलाना। जब ये मेरे घर गई थी तो इसको मैंने बाइक चलाने बोला आप सीख लो, बट सीख नहीं पाई। बाइक चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि गियर वगैरह कंट्रोल करना पड़ता है। 4 गियर 5 गियर डिफरेंट अलग सिस्टम गियर्स होते हैं। फिर क्लच वगैरह का सीन आ जाता है, यहाँ पर वो सीन है ही नहीं। ये होंडा की बाइक है, हमने रेंट पे लिया था और इसके लिए मैं पे कर रहा था अराउंड मान के चलो 700 रुपये पर डे। भाई साहब थोड़ी महंगी थी यहाँ पे, बट ठीक है 700 रुपये पर डे गैस मैंने भरवा लिया। सस्ता ही पड़ा। मैं पूरे स्टोन टाउन से यहाँ पे 80 किलोमीटर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नुनुंगी बीच पे आज दो दिन तक रहने वाला हूँ। लेकिन नाश्ता करने सिखाया नाश्ते हाउ टू स्टार्ट बाइक फर्स्ट ऑन Потом это. Break, да. Потом. Да. Ring. Да. И потом. Slowly. Давай. Так, следует ту. Все, давай гоним. Да. शुरू से बाइक का ये डर रहता है ना कि भाई एक्सीलेटर कुछ कभी होता है कि अचानक से बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है स्कूटी वगैरह में, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है स्कूटी सीखना। मैं तो 1 घंटे में सीख गया था। जब मैं पहली बार बाइक स्टार्ट करना स्टार्ट किया था 1 घंटे भी नहीं लगे भाई, 5 मिनट में सीख गया क्योंकि काफ़ी इजी होता है ये। लेकिन नाश्ते को अभी तक ये समझ में नहीं आया है। दवाई मोर फार नाश्ते को अभी तक मुझे ये सिखाना है कि यहाँ पे हॉर्न कैसे बजाते हैं। एंड साथ ही साथ ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इसको आगे वाला ब्रेक मत ले, पीछे वाला ज़्यादा ब्रेक ले। नाश्ते स्टॉप। और अभी तक इसे हॉर्न बजाना नहीं आया, नहीं साइड इंडिकेटर लेफ्ट इंडिकेटर देना इसको आया है, तो इसको ये सिखाना पड़ेगा अभी। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अभी बीच पे, नुनुंगी बीच पे। काफ़ी शानदार बीच, काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है। नाश्ते एट द पीप एट द लेफ्ट एट द राइट एट द फॉर इंजन बीप बीप एट द फॉर इंजन दा एट द लेफ्ट एट द राइट एट नादा दा प्रथम प्रेस नॉर्मल लेफ्ट प्रथम राइट प्रथम जस्ट प्रेस da normal da Ponyo understand Ponyo and this light you don't need, so normal easy now. Light for night da that light for night at like in the link I think ye jo extra light kya kehte hain bhul gaya deeper ke liye aisa you don't need it now. Okay, I'll drive at night, don't worry. Okay chalo let's go. Don't bhai sahab gira mat dena bas please. थोड़ा सा डरा रहता है जब कोई नया बाइक बनता है स्कूटी चला रहा होता है। तो चलो स्कूटी थोड़ा काफ़ी ईजी है, काफ़ी कंट्रोल करना चाहिए, एकदम पूरे बाइक की तरह जाता है और साथ में सिर्फ एक एक्सेलेटर रहता है। कोई नहीं, रोड इस रोड पे सीख रही है। अरे भाई साहब ये क्लोज आइज ओके। काफ़ी बड़ा तूफान आ गया भाई। वो ग्लासेस था तब आई स्टॉप फर्स्ट। डर लगा रहता है भाई जब पहला बार कोई बाइक चला रहा होता है। तो भाई साहब बाइक को ड्राइव करते करते हम लोग यहाँ तक लेके आ गए हैं। ये है बीच। आई थिंक मेरे पीछे ठीक ठाक है। इधर कुछ ज़्यादा ही फिसरमैन है और काफ़ी हवा भी चल रही है, तो पता नहीं आपको वीडियो कैसी दिख रही होगी। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पर, बट ठीक है क्योंकि यहाँ पे चलना थोड़ा डेंजरस सा माहौल है क्योंकि चक्का ना अंदर जा रहा है बाइक। जो पहिया है पहिया बालू के अंदर, क्योंकि काफ़ी गीली बालू है। चलो यहाँ से चलते हैं अपने नॉर्मल बीच पे जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो फाइनली भाई साहब हम लोग जा रहे हैं सी में एंड ये काफ़ी मस्त नज़ारा है भाई साहब। लेकिन क्या होता है ना कि सुबह भाई साहब पानी एकदम अंदर तक पहुँच जाता है, इतना एकदम। और अभी पानी यहाँ पर है और रात होगा तो भाई यार पानी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर पानी काफ़ी चेंज होता है। व्हाट आर यू डूइंग? डोंट डू इट मैंने कपड़े पहन रखे जंजीबार के। चलो अब चलते हैं पानी के अंदर। यहाँ पे मैं कपड़े खोल के यहीं पे रख देता हूँ, यहाँ पे सही जगह रखने के लिए। अंदर अच्छी खासी जगह है भाई। ये देख रहे हो क्या जगह है। एंड यहाँ पे कुछ भाई साहब बोट अपनी बोट पार्टी कर रहे हैं। मैंने अभी तक स्विमिंग सीखी नहीं है बट काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। थोड़ी मोड़ी स्विमिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, उतना भी ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ी मोड़ी कर लेता हूँ। दवाई डेली डेली जो भाई सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो पानी के अंदर जाना होता है। अगर पानी के अंदर चले गए तो उतनी ठंडी नहीं लगती है, बट अभी थोड़ी ठंडी लग रही है। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है और मेरे पैर ठंड हो रहे हैं। अगर पानी में जाना है तो एक बॉडी को गो दवाई त्री दो आ दिन दे दवाई त्री दो आ दिन शिक खरशो। ओए अब मुझे डर लग रहा है, मैं पानी में कैसे जाऊँगा? अपने पैर को बचा रहा हूँ भाई, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। डर के आगे जीत है। ओ भाई साहब ठंडा लग रहा है यार मुझे, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक टू द कोल। तो नॉर्मल ना कुछ समय के बाद पानी नॉर्मल हो जाती है। तो डर्टी हियर टू काफी गंदा पड़ा रखा था आज। थ्री 2, 1 चलो मैं स्विमिंग करने की कोशिश करता हूँ। नासिया यू मेक मी ट्राई स्विमिंग अंडर वाटर। अंदर नो, आउटसाइड वाटर। दवाई अंदर 3, 2, 1 अंदर वाटर आउटसाइड वाटर। अंदर वाटर दवाई अंदर। If honestly, I think that it's a very dirty water and I don't see nothing. करते करते ये काइंड ऑफ प्राइवेट बीच नहीं, पब्लिक बीच है। यहाँ पर सारे लोग यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं मोस्टली। भाई ये प्लेस तो मुझे लग रहा है एकदम कॉर्नर से बड़ा पड़ा है। यहाँ पे लोकल दिख ही नहीं रहे हैं, आप कहीं भी देख लो मोस्टली। तो यहाँ पे कॉर्नर है और कुछ मसाई है। भाई साहब मसाई के बताने का मन था बट मैं पता नहीं जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा। यहाँ पर कल मैं इन लोगों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, अभी भी खेल रहे हैं। कितने लोग हैं भाई साहब यहाँ पे? या मेरे पैर दर्द करने लगे। काफ़ी शानदार बीच है, काफ़ी पब्लिक बीच है। यहाँ पर आओ, छोटा सा ही बीच है क्योंकि जो उधर जो एरिया था जो आपको मैंने जो सुबह दिखाया वो फिशरमैन वाला एरिया था। उधर काफ़ी ज़्यादा फिशरमैन्स वगैरह हैं, लेकिन इस एरिया में पब्लिक बीच है। यहाँ पे लोग खेलते हैं, लोग स्विम करते हैं और बहुत सारे बोटीज हैं। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी जो देखी। यहाँ पर जो फेमस भी भाई साहब, यह थोड़ा यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे डाइविंग सेंटर वगैरह हैं। आप स्नॉर्कलिंग वगैरह करने के लिए अलग से जो पहले पार्टी में जा सकते हैं। बट आज का आई थिंक मेरा दिन यहीं पे रहेगा। आई थिंक मैं अब यहाँ से ज़्यादा कहीं जाने वाला हूँ नहीं। कल मैं मेनलैंड जाने के लिए प्रस्थान करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे उतना समय रहा नहीं। अब जितना जल्दी हो सके यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है हर साइड में, लेकिन बीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है अब। यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास है नहीं। तो चलो चलते हैं वापस से बैक उस डायरेक्शन में, थोड़ा और स्विम की तरफ जाएंगे, थोड़ा स्विम करेंगे और मैं निकल जाऊँगा। फिर वहाँ पर कुछ खाऊँगा पीऊँगा और आज का दिन मैं वहीं पर समाप्त कर दूँगा फिर। तो भाई साहब क्या लोग पलटियाँ मार रहे हैं, मकसद तरह नहीं आता। लोग पलटियाँ मार रहे हैं, पता नहीं कभी तैरना सीख नहीं पाया यार, क्योंकि स्कूल वगैरह में कभी बताया नहीं। जैसे ये नाश्तिया वगैरह को स्कूल वगैरह में सिखाते हैं, जब वो बचपन में ही सिखाते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप एक बार बड़े हो जाते हो तो सीखना, खास करके स्विमिंग करना। बट चलो कोई नहीं, मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा सीख गया हूँ, पूरी तरह से और सीख जाऊँगा बहुत ही जल्द करते हुए। तो बीच देखो भाई साहब, लोग भरे पड़े हैं। Как ты хочешь? Yes, simple garbage. Only garbage? And stone. Stone, да? No, not ракушка. Nothing interesting. Давай, go back swim. Давай. 3, 2, 1, давай. Ты jump. Ты jump. What? Jump. Go to boat and from to the jump. From boat? Да. Нет. How deep это from boat? चलो देखता हूँ, अगर बोट से ज़्यादा डीप नहीं हो तो मैं बोट से जंप करने की कोशिश करूँगा। ओ भाई साहब, उतना डीप तो नहीं है, मैं जंप कर सकता हूँ। डॉल्फिन और डॉल्फिन again.